वरुण के पास जाते हुए। वरुण, आपकी वहां मौजूदगी है शाहदरा में, जहां को लेकर कल अरविंद केजरीवाल ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया कि अभी तो हमने एक इलाके की जांच की है जहां पर इतनी बड़ी गड़बड़ी पाई है कि वोटर लिस्ट से खास तौर पर आम आदमी पार्टी के वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। तो आप जब वहां पर पहुंचे तो आपने बात की होगी, क्या देखा, क्या पाया, क्या सुना? साथ इस समय मौजूद है और ये वो लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम काटने की बात की जा रही है या नाम कट भी गया है। कुछ लोगों के साथ ये दिक्कत है कि उनका कहना है कि हम लगातार यहाँ पर रहते हैं, लगातार हमारा कई सालों से घर भी है, हम लोगों का निवास स्थान भी यहाँ पर है, लेकिन उसके बाद भी अगर वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं होगा तो हम वोट कैसे डाल पाएंगे। कल अरविंद केजरीवाल ने इस बात को रखा भी था सबके सामने, हालांकि अपने अपने तर्क हैं। बीजेपी का कहना है कि बहुत सारे ऐसे वोटर्स होते हैं जो अमूमन 5 साल में अपना घर बदल लेते हैं और इसीलिए ये एक विश्लेषण के तौर पर चीज़ें की जाती हैं, लेकिन चुनाव आयोग को ये समझना भी पड़ेगा और जाकर जानकारी भी हासिल करनी पड़ेगी कि जिन जिन लोगों के नाम कटे हैं क्या वाकई वो वहाँ पर मौजूद हैं या फिर नहीं है। आप कहाँ रहते हैं? अम्बेडकरगंज में ही रहते हैं। यहीं पर रहते हैं जी सर। आपका नाम? उपेंद्र कुमार। आपका नाम भी क्या वोटर लिस्ट से कटा है? हाँ जी, ये 2 महीना पहले बीजेपी के बीएलओ आए थे सर, कॉलोनी में सर्वे करने आए थे। तो सर वो नाम पूछे कि नाम क्या है, फिर उसके बाद में बोले कि आप कहाँ पर रहते हैं, तो बोले कि सर हमारा अपना खुद की मकान है अम्बेडकरगंज में, तो बोले कि ठीक है जी। उसके बाद में बोले कि 2020 में आप चुनाव में किनको वोट दिए हैं, तो हमने बोला कि सर जो काम किया है हमारे बच्चे के लिए उसको वोट दिए हैं, तो बोले कि किनको दिए हैं आप, अरविंद केजरीवाल जी के दिए हैं, आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस के दिए हैं या बीजेपी को दिए हैं, तो हमने बोला कि सर आम आदमी पार्टी को दिया हूँ वोट, तो बोले कि ठीक है जी। उसके बाद में वो क्रॉस कर दिया। उसके बाद में 10 दिन के बाद में 2-4 पब्लिक लोग बोले कि भैया मेरा तो कोई कुछ काम से गए थे लोग, जैसे तो वोटर आई डी कार्ड देखे कि क्लोज लगा हुआ है, तो बोले मेरे से। तो फिर मैं अपने क्षेत्रीय विधायक को सूचना दिया रामनिवास गोयल जी को, वो प्रस्ताव रखे अरविंद केजरीवाल जी के पास में, फिर वो डाटा निकली तो 372 लोग यहाँ इस कॉलोनी में वोट कटी हुई है। वोट कटा हुआ है? हाँ जी। आपका रहते हैं? यहाँ रहता हूँ, अम्बेडकरगंज। आपका भी वोट कटा हुआ है? जी। आपका भी पिछली बार आपने वोट डाला था? हाँ। और इस बार आपका नाम ही नहीं? इस बार नहीं नाम। आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? अम्बेडकरगंज में। हाँ जी। नाम कटा हुआ है आपका? मेरे 2 लड़के का और लड़की की नहीं आ रही है। अच्छा, 2 लड़के मतलब तीन वोट नहीं आ रहे। पिछली बार था नाम? हाँ बिल्कुल। इस बार आपने पूछा जाके अधिकारियों से हमारा नाम क्यों कटा हुआ? नहीं, अभी तो आ रहे हैं, गए भी के गए थे हम केजरीवाल के यहाँ पे आपस में, तो उन्होंने बताया कि तो हम लोग इसमें साथ दे रहा हूँ, आप लोग को नाम नहीं कटेगा। आपका भी नाम कटा हुआ? नहीं, मेरे भाई का कटा हुआ है। अच्छा। मैं भी अम्बेडकर कैंप में रहता हूँ। अभी सर्वे हुआ था 3-4 दिन पहले, तो घर पे आए थे, वहाँ पे देखा था, तो उसमें नाम कटा हुआ था। अच्छा। तो मैंने अपने भाई को बताया था कि तेरा नाम कट गया, इसमें जाके पता कर। आपका अपना मकान है? हाँ, मेरा मकान है। आप कहाँ रहते? यहीं रहते हैं, अम्बेडकर कैंप। आपका भी कटा हुआ है? हाँ जी। आपका भी कटा? हाँ जी। हमारा, हम रहते हैं कितने साल से, वोट देते चले आए, किस आधार पर हमारा वोट काटा गया? मैं दिल्ली के नागरिक होते हुए फिर भी हमारा नाम काट दिए लोग, क्यों काटे? हम मौजूद रहते हैं, दुख बीमार है, नहीं साधन है, तो दूर चले गए दवाई के, तो इसके माने नाम काट दिया जाए? हर साल वोट डालते, हर सब चीज करते हुए क्यों हमारा नाम काटा गया? सब सबूत रहते हुए है ना, तेतर क्यों करते हैं लोग? हाँ, क्यों करे जाते हैं कि हम एमाले चुनते हैं धन मन से कि हमारा नाम नहीं कटना चाहिए? हाँ, हर चीज अपनी जगह पर है, दुख बीमार है, हम दूर चले गए तो आते हैं तो क्यों हमारा नाम काटते हैं? आपका भी नाम काट दिया? आगे जी। मेरा लड़का का नाम काटे हैं। अच्छा। आगे आ जाओ ना, आगे, आगे। हाँ। उनका नाम कटा हुआ है? हाँ। परिवार में कितने लोगों के नाम है, कितने के नहीं है? के बस वो लड़के के खाली नाम नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारे साथ में ही रहते हैं? हाँ, साथ में रहते हैं सर। अब यही सवाल है शायद अपने आप में कि अगर साथ में परिवार रह रहा है और उसमें से 4 लोगों के नाम है, 3 के नहीं है, आप कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं अम्बेडकरगंज में। आपका भी नाम कटा हुआ है? मेरे छोटे भाई सुदेश कुमार है, उसका नाम कटा हुआ है। अच्छा। आप लोगों ने जाकर इलेक्शन कमीशन में बात करी, किसी से, अधिकारी से, बीएलओ से, किसी से बात हुई है? सर अभी किसी से बात नहीं, हमारे यहाँ परसों वेरीफाई के लिए फॉर्म आया हुआ था। हाँ। तो उसमें हम लोगों को पता लगा कि हमारा नाम कटने के लिए गया हुआ है। नगर निगम चुनाव में, माफ कीजिए, लोकसभा चुनाव में आपने वोट डाला? हाँ सर, वोट डाले थे। तब था आप उस समय नाम? उसमें नाम था। लोकसभा के बाद अभी जो लिस्ट अपलोड हुई है, अपडेट हुई है, उसमें आप लोगों का नाम नहीं? अभी उसमें नाम नहीं हम लोग। तो यही सारे सवाल हैं जो अपने आप में समझाने के लिए काफी हैं। दिक्कतें होती हैं, देखिए हर इलेक्शन में ये प्रोसेस होता है जिसमें वोटर्स की लिस्ट को अपडेट किया जाता है और
लोकसभा चुनाव के बाद जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी वो प्रोसेस लगातार चलता आ रहा है। ये दो महीने का लगभग प्रोसेस रहेगा, दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक लगभग मुझे लगता है चीज़ें फाइनलाइज कर ली जाएंगी और जनवरी के पहले हफ्ते तक दिल्ली के जितने वोटर लिस्ट है वो प्रिपेयर करके इलेक्शन कमीशन तैयारी कर लेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें कई लोगों का नाम इसलिए भी कट जाता है जो अपने एड्रेस पर नहीं मिलते और कई बार कुछ और भी कमियाँ या खामियाँ रहती हैं जिसकी वजह से नाम कटने की वजह से अपने मत का प्रयोग वोटर्स नहीं कर पाते। आपने देखा भी होगा कि इलेक्शन के टाइम में जब लाइनों में लोग पहुंचते हैं और अपने मत का प्रयोग करने जाते हैं तो पता चलता है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। ये स्थिति लगभग वैसी है, लेकिन शायद पहले से अगर जानकारी हो जाए या पहले से थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए तो इस प्रकार की स्थिति नहीं बनेगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है, बीजेपी भी लगातार इस बात को उठाती नजर आ रही है कि जितने वोटर्स हैं उनको अपडेट किया जाए, जो वोटर्स जा चुके हैं उनके नाम को काटा जाए। और शायद यही वजह है कि राजनीतिक रस्साकसी में अब ये पेच अपने आप में राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, अब ये मुद्दा बड़ा भी हो गया है।